आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और हम अमरकंटक के सोनमुड़ा आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर यहाँ के महंत जी तो अभी वर्तमान में नहीं हैं, परंतु आचार्य श्री नरेंद्र पांडे जी हैं यहाँ पर हमारे साथ। उनसे सबसे पहले जान लेते हैं कि महाराज श्री, जैसा कि श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है, क्या कुछ श्रावण मास का महत्व है? नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय, नमः शिवाय। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और आप सभी लोगों को गुरु महान श्री सोमेश्वर गिरी शिष्य नरेंद्र पांडे जी की तरफ से द्वितीय श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि इस बार बड़ा संयोग हुआ कि इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार हैं, देखो कितनी अच्छी बात है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे और हमारे धर्म को भी हम इतना भाग्यशाली समझेंगे कि श्रावण प्रारंभ सोमवार से हुआ और श्रावण समाप्त भी सोमवार से ही होगा। तो इस 5 सोमवारों को मैं महादेव का जिस प्रकार पंचाक्षरम इदम प्रोक्तम, जिस प्रकार ओम नमः शिवाय मंत्र है, उसी प्रकार मैं इन 5 सोमवारों को नमः शिवाय ही मानता हूँ। देखने में आ रहा है कि कांवड़ यात्री जो हैं वो इस बार से भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो उनके लिए जो कांवड़ यात्रा है उस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी एक पहल है। लोग इतने दूर से पैदल आते हैं माई नर्मदा में डुबकी लगा करके और माँ का जो कि है पवित्र जल को अपने अपने पात्रों में भर करके फिर जलेश्वर महादेव में ले जा करके स्नान करवाते हैं, चढ़ाते हैं, इसके बाद पुनः अपने घर को ले जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है हमारे धर्म की। और मैं तो कांवड़ियों से ये कहना चाहूँगा, अमरकंटक वो पवित्र स्थली है जहाँ पर भूत भावन महादेव ने आकर के तप किया और माँ नर्मदा को प्रकट किया, इसलिए जो लोग भी यहाँ का जल महादेव को अर्पित करके अपने घर में ले जाएं, तो एक नहीं, दो नहीं, कई साल तक वो जल रखे भी रहें तो वो जल खराब होने वाला नहीं है, ऐसी मान्यता है। हमारा धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर आप 7 बार जो कांवड़ यात्रा है उसका जल महादेव को अर्पित करने आते हो और अपने घर पर ले जा करके जल को जो भी व्यक्ति कांवड़ या सिंचित करता है उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, ऐसी ये मान्यता है। ये जो जल वो घर लेकर जाते हैं तो उसका उपयोग दोबारा से किया जा सकता है? हाँ हाँ, उसका उपयोग तो किसी भी, जैसे घर में कोई भी अपवित्रता हो गई तो छिड़क करके घर को पवित्र किया जाता है, जैसे घर में किसी को रोग हो गया उसका भी छिड़क चरणामृत लेकर के उससे भी लोग ठीक हो सकते हैं, और वो पवित्र जल अपने घर में रखना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। देखने आता है कांवड़ यात्रियों के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती है ना, स्थानीय जो भी हैं, आपकी ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हमारी ओर से तो जो कि है माँ नर्मदा स्वयं देख रही है कि कांवड़ यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था है। जो भी कांवड़िया आते हैं, चाहे हमारी तरफ से जो भी अन्नदान हो या भोजन की व्यवस्था हो या जलपान की व्यवस्था हो या रुकने की व्यवस्था हो, सभी कांवड़ियों से, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ से कांवड़िया लोग आते हैं, उनसे मेरी ये करवद हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सोनमुड़ा आश्रम में आएँ, आपको रुकने की भोजन की व्यवस्था ना हो, आपके पास कोई भी समस्या हो आप अवगत कराएं, आपकी समस्या का समाधान महादेव की कृपा से जरूर होगा। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महारुद्रो त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्युर जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधनि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।